कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, एकदम पठन पाठन चल रही है। नहीं तो चलिए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या प्रारंभ करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले जान लीजिए क्या है, किसको है। तो मोटा मोटे हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिक करंट। तो कभी कभी क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बना लेते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन करवा लेते हैं। यही स्टडी होती है इसके अंतर्गत, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। नहीं, बड़ा मजेदार टॉपिक है, बहुत कुछ पढ़ने के लिए है इसमें। देखेंगे क्या क्या पढ़ने के लिए ऑब्जेक्टिव्स। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो कहेंगे केमिस्ट्री का वह शाखा जिसके अंतर्गत रिडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं एंड वाइस वर्सा, उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। फटाक से आप नोट कर लीजिए, तुम पिक्चर देख लें कैसा आता है। गुड। तो क्या कहता है, केमिस्ट्री का वह शाखा जिसके अंतर्गत रिडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या है इसका, जस्ट उल्टा। उल्टा का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट से रिडॉक्स रिएक्शन करवा लेते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न कर लेंगे और इलेक्ट्रिक करंट से रिडॉक्स रिएक्शन करवा लेंगे। देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन करवा लेंगे, उसी को केमिस्ट्री, उसी शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग को ढेर सारे क्या करना पड़ता है, इसको तीन भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में बांट करके पढ़ते हैं। जैसे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस और तीसरा मोलर कंडक्टिविटी। तो तीन भागों में इसको बांट करके पढ़ते हैं, जिसमें से पहला भाग हम लोग प्रारंभ करेंगे आज इलेक्ट्रोकेमिकल से। तो देख लीजिए इसका डिफिनेशन, देखिए इसमें क्या क्या पढ़ते क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल से, इससे संबंधित ढेर सारे टर्म, नर्नस्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे का लॉ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। और ये कहने के लिए ये मोटा मोटे चार पार्ट हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, ये दोनों एक ही में आ जाता है। तो एक भाग इधर से, एक भाग ये और एक भाग ये, तीन भागों में इसको हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं।
तो ये नर्नस्ट इक्वेशन जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंतर्गत ही आ जाते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये छोटी सी टॉपिक नहीं है, बड़ी भारी भरकम टॉपिक है। कैसे स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालते हैं, ईएमएफ कैसे सेल का ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं, ढेर सारे कारण। इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे महोदय यहाँ पर छलांग मारे हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक यहाँ पर जो मूल रूप से हम लोग देखेंगे कलराव का लॉ, तो कलराव का लॉ, फैराडे लॉ, नर्नस्ट इक्वेशन, ये तीन महत्वपूर्ण भाग है और तीनों अपना अपना क्षेत्र बांट लिए हैं। तो यही सब इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। और कुल मिलाकर के यही है कि केमिकल रिएक्शन से, मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसकी चालकता वगैरह को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं इत्यादि वगैरह के बारे में इसमें अंदर इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। क्लियर? तो नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, 1 2 3 4 5 नोट कर लिया हूं। नहीं तो आइए हम लोग देखते हैं अभी किसके बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हेडिंग लगा दीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगा, क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होगा, और रिडॉक्स रिएक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करेंगे, और ये भी स्पॉन्टेनियस, रिडॉक्स रिएक्शन जो होगा स्पॉन्टेनियस होगा, और इस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करेंगे। यही डिवाइस है, ये क्या है, डिवाइस है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को और नाम से जानते हैं, देख लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, इतने नाम से इसको हम लोग जानते हैं, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए या फिर गैल्वेनिक सेल के लिए या फिर वोल्टेइक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, ये सारे के सारे नाम है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते किसको है, तो यह एक डिवाइस है। क्या कह सकते हैं, यदि हमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है तो क्या बताएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज एन डिवाइस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, अ डिवाइस व्हिच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट by the process of a spontaneous redox reaction, by the process of a spontaneous redox reaction, a spontaneous मतलब स्वतः होने वाली उपापचयी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। नोट माय वर्ड, नोट कर लीजिए, क्या कहता है कि स्वतः होने वाली रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को, डिवाइस को, यंत्र को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। आखिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की आइडिया कैसे है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की आइडिया क्या, कैसे आई, तो देखते हैं क्या क्या होता है। यहां पर देखिए, एक क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, और क्या क्या होता है इसको ऑब्जर्व करना है। क्या लिए, एक बीकर लिए, इस बीकर में हम क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल देते हैं। मान लिया जाए कि इसमें हमने डाल दिया कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट, यहां पर पोस्ट में Aq लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, घोल है, कॉपर सल्फेट का घोल इसमें डाल दिया। और इसमें क्या किए कि एक जिंक का रॉड डाल दिया,
रॉड समझते हो ना, जिसको इलेक्ट्रोड भी बाद में कहेंगे। लेकिन इसमें क्या कर दिया हमने कि जेड एंड रॉड डाल दिया, जेड एंड रॉड। तो जेड एंड रॉड डालने से पहले इसका कुछ फिजिकल मेजरमेंट लिए थे। फिजिकल मेजरमेंट जब लिए हम लोग तो ये हेडिंग डाल दिए थे, इसको इधर इरेज करते हैं। तो फिजिकल मेजरमेंट लिए थे, टेम्परेचर, वेट वगैरह, इस सबका फिजिकल मेजरमेंट लिए। कुछ समय बाद देखते हैं इसमें होता क्या, नहीं व्हाट हैपेंस, ऐसा करने से क्या हुआ, व्हाट हैपेंस, क्या हुआ, नहीं क्या हुआ, ऐसा किए तो क्या हुआ। पहला नंबर देखें कि वेट ऑफ जेड एंड रॉड रिड्यूस। जेड एंड का जो रॉड है इसके भार में कमी आया। रिड्यूस का मतलब होता है घटना, नहीं डिक्रीजेज, मैंने इसके भार में क्या आया, कमी आया, ये रिड्यूस कर गया, डिक्रीजेज। वेट ऑफ जेड एंड रॉड डिक्रीजेज, घट गया। दूसरा नंबर क्या हुआ, कॉपर सल्फेट ये ब्लू कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, तो क्या लिखेंगे यहां पर, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन रिड्यूस्ड। सॉल्यूशन का जो नीला रंग है वो धीरे धीरे घटने लगा, वो धीरे धीरे घटने लगा। तीसरा नंबर क्या हुआ, रेड पीपीटी प्रिसिपिटेशन, रेड पीपीटी जमने लगा, लाल रंग के जो है वो अवक्षेप इसके पैंदी में दिखने लगा। लाल रंग के अवक्षेप इसके पैंदी में दिखने लगा। सोचिए कि जैसे ही कॉपर सल्फेट में हमने किसको डाला, जिंक के रॉड को डाला, जिंक का रॉड एकदम गल गल करके गलने लगा, गलते यहां पर क्या क्या, ये लाल 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 रंग के ये पीपीटी जिसको अवक्षेप कहते हैं वो यहां पर जमने लगे। चौथा नंबर क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीजेज, ताप बढ़ने लगा, क्या होने लगा, हाँ ताप बढ़ने लगा, टेम्परेचर इंक्रीजेज, ये सब हुआ। अब इस सब का क्या कहते हैं, वेट जैडन के रॉडम के भार में कमी आई, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन रिड्यूस हो गया, रेड पीपीटी बनने लगा, टेम्परेचर सॉल्यूशन का बढ़ने लगा, आखिर ये सब हुआ क्यों, सोचना तो पड़ेगा, नहीं सोचना तो पड़ेगा कि आखिर ये सब हो कैसे गए। तो सोचेंगे, पहले इसको आप फिलहाल नोट कीजिए कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की आइडिया कहां से है, नहीं ये है एक्सपेरिमेंट, जिसको क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंट, हमने एक्सपेरिमेंट ऐसा किया, ये सब मिला, आखिर ये क्यों हुआ, बाद में फिलहाल इसको नोट करें। तो चलिए आप नोट कर लिए होंगे
और देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब चल रहे हैं इसका आंसर ढूंढने के लिए, हम लोग निकल गए हैं। इसका आंसर ढूंढ रहे हैं कि आखिर ऐसा ये क्यों हो रहा है। क्या हुआ? आंसर इसका ढूंढते हैं क्यों हुआ, आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो नंबर एक, ऑक्सीडेशन ऑफ जेड एन रॉड। एक नंबर का कारण है कि जेड एन रॉड का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। कैसे? तो जेड एन रॉड जो है वो जेड एन है, मतलब देखिए कि जेड एन के रूप में है। इससे क्या हुआ कि जेड एन जो है ये जेड एन टू प्लस प्लस दो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ। आखिर अपने मन से हो जाएगा ये? कोई तो होगा जो ऑक्सीकरण करवाता होगा। तो चलिए, ऑक्सीडेशन ऑफ जेड एन रॉड ये हुआ। ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन रिड्यूस क्यों? तो दूसरा नंबर है कि रिडक्शन ऑफ सीयू। किसका रिडक्शन हो गया? कॉपर का। कैसे रिडक्शन हुआ? तो अब देखिए, ये कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, जब ये क्या करेगा, विलगित होगा तो Cu2 प्लस प्लस SO4 डबल माइनस 2 माइनस जाएगा। अब ये Cu2 प्लस जो है यही है रिडक्शन, रिडक्शन Cu2 प्लस जो है ये कपाड़ पर 2, Cu2 प्लस जो है ये Zn से छोड़ी गई दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ये बना देता है Cu। जैसे ही रिड्यूस हुआ, ब्लू कलर डिसअपीयर्स होने लगे, ब्लू कलर में कमी आने लगी, मतलब इसका रंगहीन होने लगा। ये रेड पीपीटी क्यों बना? तो अब ये Zn रॉड जो है, ये Zn रॉड यहां से धीरे 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 क्या होने लगा, ये गलने लगा, रिड्यूस होने लगा। रिड्यूस हो करके ये कहां पर जाने लगे, ये इसमें यहां पर अवक्षेप के रूप में बैठने लगे, इसलिए बना रेड पीपीटी। तो तीसरा नंबर का कारण क्या होगा? तीसरा नंबर Zn रॉड सॉल्यूशन में नहीं, ये कॉपर आ गया, रेड पीपीटी बनने लगे। कौन? ये कॉपर किसको छोड़ दिया? ये Zn नहीं आया, Zn तो सॉल्यूशन में घुल गया है। रेड पीपीटी कौन बनने लगे? तो कॉपर जो यहां पर रिड्यूस हुआ, ये धीरे धीरे इसमें क्या होने लगे, बैठने लगे। तो यहां पर ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां पर ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। तो ये कॉपर के रिडक्शन के कारण इसमें लाल अवक्षेप बनने लगा। तीसरा कारण हो गया। चौथा नंबर का कारण क्या है? टेम्परेचर क्यों राइज किया। तो यहां पर जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अभिक्रिया हुई है, तो यहां पर केमिकल एनर्जी जो है, ये रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। रासायनिक ऊर्जा जो है वो किसके रूप में, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकलने लगे, इसलिए टेम्परेचर क्या हो गया, राइज कर गया। तो ये सब हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ? तो हमने देखा कि इससे क्या हो रहा है यहाँ पर, कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। और रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रहा है यहाँ पर, डायरेक्ट इसको मिटा, इसको आप नोट कर लिए थे,
इसको नोट कर लिए थे, चलिए नोट नहीं किया तो 1 2 3 4 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, क्या बता रहे थे हाँ, यहां पर हो क्या रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ जेड है और रिडक्शन ऑफ Cu, तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन को मिला करके हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रहा है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। हीट कैसे रिलीज हुआ, तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन से। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, माने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर इन सेम बीकर, माने एक ही पात्र में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या ये इनडायरेक्ट भी होता, तो कहेंगे हाँ इनडायरेक्ट भी होता है। एक बीकर में ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे बीकर में रिडक्शन होगा, तो इसको इनडायरेक्ट, और उसके बीच कोई ना कोई रिलेशन हो जाए, कंडीशन आ जाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। और ये रिडॉक्स रिएक्शन है कैसा, तो याद रखना स्पॉन्टेनियस है। क्या है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है, थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़े होंगे, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः हो जाने वाले, या फिर उसको थोड़ा सा लिटिल पुश करते हैं, थोड़ा सा इनिशिएट कर देते हैं तो प्रक्रिया स्वतः चलने लगती है। इस स्थिति में इसका गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है डेल जी, वो जीरो से कम होता है, मतलब ये निगेटिव। यदि गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव हो जाए तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। क्या सेल के अंदर जब आप सेल बैटरी टॉर्च में लगाते हैं या घड़ी में लगाते हैं तो उससे करंट सप्लाई होता है, घड़ी आपकी चलने लगती है, क्या उस सेल के अंदर आप जाकर के रिएक्शन करवाते हो, नहीं ना, वो स्वतः हो जाती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस होना भी चाहिए, यदि स्पॉन्टेनियस नहीं हो रहा है तो फिर वो सेल किसी काम की नहीं है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की आइडिया यहां से आई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की आइडिया यहां से आई है। आप इनको क्या करें, नोट करें, फिलहाल फटाफट नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इनको। हाँ, जब हो गया तो इसको रख करके क्या करें, मिटाना चाहिए। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर राइज कर रहा है, हीट निकल रही है, ये डायरेक्ट हो रहा है, क्या इसका उपयोग हम दूसरे ढंग से नहीं कर सकते हैं, यदि इस रिडॉक्स रिएक्शन के इनडायरेक्ट रूप से करवाएं, तो यहीं से उत्पत्ति हो जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये आइडिया था एक्सपेरिमेंट, क्या होता है, क्या क्या होता है, यहां पर आपने देखा ऑक्सीडेशन किसका हुआ, Zn, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, Zn। आइए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग देखते हैं, एक सेल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, डेनियल सेल। अब कहोगे ये डेनियल सेल क्या है, डेनियल सेल, तो हम कहेंगे एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल आइदर गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल। ये डेनियल सेल क्या है, तो डेनियल सेल एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल
या फिर वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल का एक उदाहरण है। कौन है? डेनियल सेल। डेनियल सेल में क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं जिसको रॉड कहते हैं, इलेक्ट्रोड, इसी को हम लोग रॉड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉड भी कहते हैं। इसमें होता है Zn एंड C, याद रखना। डेनियल सेल में जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसका होता है? Zn और Cu का। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है, रिडॉक्स रिएक्शन इसमें इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग पात्र में, अलग अलग पात्र में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। याद रखना डेनियल सेल है। डेनियल सेल एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कैल्केनिक एंड फोटोवोल्टाइक सेल। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड इसमें जो होता है रॉड जो होता है जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं वो Zn और Cu का होता है। रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। आइए इसके कुछ हम लोग डिजाइन करते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर एक बीकर ले लेते हैं, लाइन कट गई है, अंधेरा कायम हो, देखते हैं कब तक में आती है। चलिए बिजली आ गई, नहीं भगवान की बहुत बहुत कृपा। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये इसका नहीं है, ये डेनियल सेल रीडिंग देना है। डेनियल सेल एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल। इसमें इलेक्ट्रोड रॉड जो होता है वो Zn कॉपर का होता है। रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है इनडायरेक्ट होता है, मतलब कि अलग अलग पात्र में रिडॉक्स रिएक्शन होता है। कोई दिक्कत? अलग अलग पात्र में रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है, गौर कीजिए बोर्ड पर। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि दो अलग अलग बीकर लेते हैं, एक बीकर लिए और यहाँ पर एक बीकर। ये डेनियल सेल बना रहे हैं, डेनियल सेल, डेनियल सेल याद रखेंगे, डेनियल सेल बना रहे हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि सॉल्यूशन डालते हैं। पिछले बार देखे थे हम लोग कि कॉपर में अगर जब जिंक को डाले थे तो जिंक में के भार में कमी आई थी। अब की बार ऐसा नहीं करेंगे, जिसका रॉड उसी का घोल। तो इसमें ले लेते हैं ये कि ZnSO4, ZnSO4 एक क्यू है, और इसमें ले लेते हैं हम लोग CuSO4, ये भी क्या है, एक क्यू है, एक्वस। और इसमें क्या करेंगे कि इसमें एक रॉड डालते हैं, और इसमें भी क्या करते हैं हम एक रॉड डालते हैं। तो ये ZnSO4 है, तो ये रॉड जो है ये Zn का है, ये CuSO4 का घोल है, तो ये रॉड जो है ये Cu का है, कॉपर का। पूरा पूरा घोल दिखाई दे रही है, हाँ आप देख रहे हैं। तो ये रॉड जो है ये Cu का। अब दोनों रॉड को क्या करते हैं कि एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं। और बीच में क्या करते हैं कि एक ए मीटर फिट कर देते हैं। ए मीटर लगा दिए तब पता चलेगा कि ये कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब ये करंट सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरह की बात आती है। अब यहां पर क्या होता है Zn SO4 और यहाँ पर CuSO4, दोनों को क्या कर दिए,
कनेक्ट कर दिया। अब इसमें होता क्या है कि यहां से ये कॉपर Zn का ऑक्सीडेशन होता है और यहां पर इसका कॉपर इसको क्या करता है, अलग होता है, इससे रिडक्शन होता है। तो यहां पर Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो Zn क्या होते हैं, यहां से ये Zn जो संपूर्ण Zn है वो Zn ये क्या करता है, Zn 2 प्लस में विभक्त हो जाता है और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो Zn प्लस जो है ये यहां से सॉल्यूशन में आता है और इलेक्ट्रॉन जो है इसी पर रह जाता है, इलेक्ट्रॉन इसी पर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन इसी पर रह जाता है, इलेक्ट्रॉन का धीरे धीरे कंसंट्रेशन इसमें क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये देखिए वायर से कनेक्ट है, तो ये वायर से कनेक्ट होकर के ऐसे 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 करके इसे करके चलाता है, तो इस पर आता है, इस पर आ जाता 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 है। यहां पर जो सॉल्यूशन में आप देखिए, देखो जब इसको जब हम बोलेंगे यहाँ 2 प्लस होगा तो ये Zn प्लस SO4 बन जाएगा। अब ये यहाँ का Zn चाहेगा, ये तो प्लस है, ये Zn चाहेगा कि हम SO4 के साथ कंबाइन करते हैं, SO4 के साथ कंबाइन करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, आयन के फॉर्म में आना पड़ेगा, ये आयन के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ का कॉपर जो है ये Cu2 प्लस जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Cu में, कन्वर्ट हो जाएगा ये Cu में। तब यही Cu जो है ये रेड पीपीटी के रूप में, अवक्षेप के रूप में आपको जमा हो रहा है। तो यहां पर देखिए इस पर इलेक्ट्रोड पर, इस पर इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो रहा है, संचित हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन संचित हो रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव रॉड कहते हैं, क्या कहते हैं, निगेटिव रॉड या इलेक्ट्रोड, निगेटिव रॉड या इलेक्ट्रोड कहते हैं इसको। तो ये निगेटिव है, इस पर इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा है, इस पर इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा है, तो ये निगेटिव हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में इस इलेक्ट्रॉन तो इस पर भी है, तो ये जब निगेटिव है तो इसके रिस्पेक्ट में इसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात कि इस रॉड से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है जबकि इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसलिए नेगेटिव, और इस रॉड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पहले थिंकिंग करें, सोचें। दूसरी कारण कि ये यदि नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव रॉड या इलेक्ट्रोड, इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव रॉड आइदर इलेक्ट्रोड। अब जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, देखिए जब इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर मूव कर रहा है, तो धारा किधर से किधर की ओर मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। आप पढ़े होंगे जूनियर क्लास में कि जब इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा जा रही है। दूसरी बात कि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर विद्युत धारा जाती है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर विद्युत धारा जाती है। ये कहानी अब जब इलेक्ट्रॉन चलने लगा, विद्युत धारा गमन होने लगी, यही तो करना था, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट नहीं हुआ, मतलब एक ही विकर में ऑक्सीडेशन और एक ही विकर में रिडक्शन नहीं हुआ, एक विकर में ऑक्सीडेशन तो दूसरे विकर में रिडक्शन हुआ। यहाँ पर Cu प्लस 2 का रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर Zn का क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, Cu 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये क्या हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। याद रखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल है तो इसको क्या कहेंगे, हाफ सिल, मतलब हाफ ऑक्सीडेशन हाफ सिल,
और इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन हाफ सेल, चूंकि ये दो विकर है ना, यहाँ से बीच से काट देता, अकेले किसी काम का नहीं, अकेले किसी काम का नहीं, जब इसको कनेक्ट कर दिया रिएक्शन चालू हो गया, तो इस वाले भाग को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो इसको क्या कहेंगे, इस पर क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हो रहा है ना, तो इसको कहेंगे रिडक्शन हाफ सेल, इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल। इतना ही नहीं, ये क्या है, निगेटिव निगेटिव हाफ सेल, तो ये क्या है, पॉजिटिव हाफ सेल। पॉजिटिव हाफ सेल, अब देखिए नेगेटिव को हम लोग कैथोड कहते हैं, केटायन एनायन, हाँ नेगेटिव को क्या कहते हैं, एनोड, एनोड, नेगेटिव को एनोड कहते हैं और पॉजिटिव को कैथोड कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, एनोड हाफ सेल, इसको क्या कहेंगे, कैथोड हाफ सेल। अब देखिए ये राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में, तो ये लेफ्ट साइड में, इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट हाफ सेल, इसको क्या कहेंगे, राइट हाफ सेल। ऑक्सीडेशन, नेगेटिव, एनोड, लेफ्ट, ये सब एक ही चीज है, रिडक्शन, पॉजिटिव, कैथोड, राइट, ये सब के सब एक ही चीज है, यही तो डेनियल सेल है। कहेगा डेनियल सेल का ऑक्सीडेशन लेफ्ट में कि राइट में, तो लेफ्ट में, नेगेटिव लेफ्ट की राइट, लेफ्ट, एनोड लेफ्ट की राइट, लेफ्ट, एनोड पर ऑक्सीडेशन के कैथोड पर ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। इसको याद कैसे रखेंगे, याद रखना है सारे के सारे टर्म को मिला करके हम लोग इसको करते हैं लोन, याद रखेंगे लोन जब इधर हो गया तो जस्ट इसका अपोजिट इस साइड, एल फॉर लेफ्ट, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, एल फॉर लेफ्ट, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ए फॉर एनोड, एन फॉर निगेटिव, टर्म याद रह जाएंगे लोन, L O A N, L for left, O for oxidation, A for anode, N for negative, ये सारे के सारे एक हैं, तो ये oxidation है तो right वाला reduction, negative positive, anode cathode, half left right, ये तो current जाने लगा। अब इसमें समस्या क्या क्या आई, क्या क्या problem create हुआ, तो पहले आप इसको नोट करें, डेनियल सेल के डिजाइनिंग समझ में आए, कैसे होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन हुआ है ZN का, इसलिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल अधे है, रिडक्शन हुआ है तो रिडक्शन हाफ सेल, नेगेटिव टर्मिनल आ गया ये, तो इसलिए नेगेटिव हाफ सेल, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव हाफ सेल, अब ये एनोड है, नेगेटिव प्लेट को एनोड कहते हैं, तो एनोड हाफ सेल, तो ये हो जाएगा कैथोड हाफ सेल, ये लेफ्ट साइड में है इसलिए लेफ्ट हाफ सेल, ये राइट में है तो राइट हाफ सेल। अब याद कैसे रखेंगे, तो लोन एल फॉर लेफ्ट, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ए फॉर एनोड, एन फॉर नेगेटिव, लोन टर्म जो है ये एक तरफ, तो जस्ट इसका अपोजिट राइट साइड में, क्लियर, तो इसको आप फटाक से पहले नोट कर लीजिए। चलिए तो नोट कर लिए होंगे, यदि आप इनको नोट कर लिए हैं तो देखिए अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है, कि ये एक बार इधर से चल गया, एक बार इधर से आ गया, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट हुए हैं, तो इतने बात समझ में आई,
कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, डेनियल सेल समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये डेनियल सेल की परिचय है, ये डेनियल सेल की बनावट और किसको क्या कहते हैं, ये आज से कम गांठ बांध करके याद रख लीजिए कि ऑक्सीडेशन होगा तो निगेटिव होगा, प्लेट निगेटिव होगा, एनोड होगा और लेफ्ट होगा। वीडियो लंबी हो रही है, यदि इसको बताएंगे तो जितना देर अभी चला है इतना टाइम और लगनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसको अगले रोज हम डील करेंगे, और उसको कैसे सुधार किया जाता है, इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पार्ट वन और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पार्ट टू, जिसको आप पार्ट वन मानेंगे और अगली वीडियो आपको पार्ट टू के रूप में जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टू में आप सेकंड लेक्चर में इसके प्रॉब्लम और इनके निदान रिप्रेजेंटेशन आदि को देख सकेंगे। तो आज की कहानी यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट, यदि वीडियो आपको पसंद आ जाए तो अपने मित्रों में फैला दीजिए, लिंक पर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक शेयर तो बनता ही, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको समझ में आया।